सो इस सीन में मूवी की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पे इन्फिनिटी वॉर खत्म हुई थी, जहाँ पे आयरन मैन और नेबुला टाइटन ग्रह से वापस लौट रहे थे। लेकिन बीच में उनकी स्पेसशिप का पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है और वो वहीं बीच में स्पेसशिप में अटक जाते हैं और अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि तो अब ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। और यहाँ पे अपना टोनी भी सोच लेता है कि अब तो मेरे को कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि अब सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं और उसका आयरन मैन सूट भी अब काम नहीं कर रहा। लेकिन फिर आयरन मैन इसी आस में एक मैसेज लिखता है अपनी पेपर पॉट्स को और वो मैसेज के अंदर ये बोलता है कि पता नहीं तुम ये मैसेज देख पाओगी भी या नहीं, और आज पूरे 21 दिन हो चुके हैं मेरे को स्पेसशिप में अटके हुए और यहाँ से करोड़ों मील तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, मतलब वहाँ धरती पे आने के कोई चांसेस नहीं है। और मुझे थोड़ा बुखार भी था लेकिन नेब्यूला ने सब कुछ ठीक कर दिया। वैसे थोड़ी सन की जरूर है लेकिन काम की बहुत है और स्पेसशिप में रहने के लिए जैसे तैसे कुछ दिन तो निकाल लिए लेकिन अब लगता नहीं कि और दिन मैं जिंदा रह पाऊंगा। और फिलहाल तुम अपनी लाइफ में जरूर खुश रहना, और जैसा मैंने सोचा था वैसे एकदम प्लान के मुताबिक हो रहा है और मेरे सर का दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ आराम करने के लिए। फिर टोनी ये लास्ट मैसेज कहते हुए वहीं पे उसको एंड कर देता है और वो धरी लेट जाता है। फिर ये सब भी नेब्यूला देख लेती है और वो टोनी को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पे अपना टोनी स्टार्क बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था तो वो टोनी स्टार्क को स्पेसशिप के कैबिन में ले जाके वहाँ पे बिठा देती है। फिर कुछ ही देर के बाद टोनी स्टार्क के मुंह पे हल्की हल्की रोशनी पड़ने लग जाती है और वो एकदम धीरे धीरे तेज होने लग जाती है। फिर जब टोनी अपनी आंख खोल के सामने देखता है तो उसके सामने बहुत ही ज्यादा तेज की रोशनी चमक रही थी जिसको देख के टोनी स्टार्क को एकदम कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पे लाइट कम होने लग जाती है एंड वहाँ पे सामने कैप्टन मार्वल होती है जो टोनी स्टार्क को अब बचा लेगी। फिर वहीं दूसरी साइड अर्थ के अंदर जहाँ पे कैप्टन अमेरिका अपने शेव कर रहे होते हैं उधर वो अपने मिरर को हिलते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि बाहर जरूर कुछ आने वाला है। फिर कुछ अवेंजर्स वहाँ से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि कैप्टन मार्वल एक स्पेसशिप को अपने ऊपर लाई हुई है और वो स्पेसशिप को उनके सामने लाकर खड़ा कर देती है जिसके अंदर से फिर अपने टोनी स्टार्क निकलते हैं। इसका मतलब कि अपने टोनी स्टार्क एकदम सेफ है। सो ये वाला सीन यहीं पे खत्म होता है एंड आप बताना आपको ये वाला सीन कैसा लगा। सो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।